हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट EVS। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज ट्रेडिशनल गेम्स एंड आर्ट्स। इट मींस ट्रेडिशनल गेम्स, इट्स मीनिंग पारंपरिक खेल एवं कला। ओके, तो ट्रेडिशनल गेम्स एंड आर्ट्स हमारे टॉपिक का नेम है, जिसका मीनिंग होता है पारंपरिक खेल एवं कला। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। मेनी ट्रेडिशनल गेम्स। अब पहली बात के ट्रेडिशनल का मीनिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल का मीनिंग होता है परंपरागत या पारंपरिक। ठीक है, ऐसा जो चीज़ हमारी परंपराओं से जुड़ा हो, जो हमारी प्राचीन संस्कृति एवं परंपराएं होती है उससे जो जुड़े होते हैं, उसी को हम परंपरागत और इंग्लिश में ट्रेडिशनल बोलते हैं। और गेम्स का मीनिंग तो पता ही है कि खेल होता है। सो मैनी ट्रेडिशनल गेम्स आर प्लेड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि बहुत सारे जो पारंपरिक खेल हैं, जो कि खेले जाते हैं, प्लेड इन खेले जाते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, कि अलग अलग भागों में। रीजन्स मीन्स अलग अलग क्षेत्र या भाग। ओके, क्षेत्र या भाग कहाँ के, भारत के। तो भारत के अलग अलग जो प्रदेश हैं और अलग अलग जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो खेले जाते हैं। इंडियाज कल्चर ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शल आर्ट इज़ रिच एंड वैरीड। तो जो इंडिया की संस्कृति है, ओके, तो इंडिया की जो संस्कृति है वो कैसी है, वो परंपरागत खेलों से और मार्शल आर्ट्स, इनसे क्या, इनकी विविधताओं से परिपूर्ण है। ठीक है, रिच मतलब धनवान होना या उससे भरा होना। ठीक है, वैरिड मीन्स विविधता। तो भारत की जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, तो परंपरागत खेलों से जुड़ी हुई है, और मार्शल आर्ट जो बहुत प्राचीन सभ्यताओं से चला आ रहा है, तो उससे क्या, परिपूर्ण है और विविधताओं से भरा हुआ है। हेयर आर गिवन पिक्चर ऑफ सम गेम्स, टेक द गेम दैट यू एंजॉय टू प्ले। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, 4 टाइप के यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं गेम्स के, और इसमें से आपको अपना फेवरेट गेम सिलेक्ट करना है और उस पर टिक करना है कि आपको कौन सा पसंद है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट को राइट टिक कर दीजिए। फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल को, एंड दिस इज़ ताइक्वांडो एंड दिस इज़ बास्केटबॉल। ठीक है, ये चारों खेल हैं, इसमें से कौन सा खेल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उस पर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे फुटबॉल पसंद है तो मैं फुटबॉल पर टिक कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको इनमें से जो भी खेल पसंद होंगे तो आप उसको टिक कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल नाउ डिस्कस सम ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, अब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस पर, परंपरागत खेलों पर, जो भारत के जो अलग अलग परंपरागत खेल हैं हमारे देश के, उस पर हम इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट है बोट रेस। यहाँ पर आप फिगर देखिएगा, इस पिक्चर में आपको बहुत सारे पीपल्स दिखाई दे रहे हैं जो एक लंबी सी बोट पर सवार हैं, और यह बोट रेस का सीन है। अब इसके बारे में हम रीड करते हैं। केरला बोट रेस इज़ अ ईयरली इवेंट दैट टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर इन अल्पुज़ा। ठीक है, इट मीन्स जो केरला, तो बोट रेस कहाँ होती है, केरला में होती है। ठीक है, केरल जो हमारा सबसे लास्ट स्टेट है साउथ का। ओके, सो केरला बोट रेस इज़ ईयरली इवेंट। तो केरला की जो बोट रेस है वो क्या है, वार्षिक प्रतियोगिता होती है बोट रेस की। ठीक है, वार्षिक उत्सव है वहाँ का, वार्षिक इवेंट्स आयोजन होता है। वो कब आयोजित होता है, वह अगस्त या फिर सितंबर माह में, हर साल के अगस्त या सितंबर माह में वार्षिक आयोजन होता है किसका, केरला बोट रेस का। ये एक वहाँ का वार्षिक उत्सव है, और ये किस जगह पर आयोजित होता है, वो अल्पुज़ा। ठीक है, केरला की एक जगह का नाम है जहाँ पर झील है, तो वो अल्पुज़ा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द स्नेक बोट रेस एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल ऑफ ओनम। तो
इस रेस को जो है, जो केरला बोट रेस है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे कहा जाता है स्नेक बोट रेस। अब स्नेक बोट रेस का मीनिंग क्यों होता है? स्नेक का मीनिंग होता है सर्प या सांप, ठीक है। तो इसको स्नेक बोट रेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो बोट होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। और इसका जो आगे का आकृति होता है वो भी थोड़ा सर्पीलाकार होता है, तो इसकी लंबाई के कारण जो है इसे स्नेक बोट रेस कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो इस रेस का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है कि इस दौरान यहाँ पर ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और ओनम क्या है, जो केरला का है वो फेस्टिवल है, उस क्षेत्र में विशेषकर मनाया जाते हैं, ठीक है। द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ द रोवर्स पोर्टियार्स इन द पोर्टियार्स द इनहेंस स्पोर्टिंग झील एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट ऑफ द साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ द रोवर्स पोर्टियार्स, तो ब्रिलियंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना किसके द्वारा? रोवर्स, ये जो चला रहे होते हैं बोट को, इनको रोवर्स कहा जाता है, ठीक है। या इनको मल्लाह हम कहते हैं हिंदी में, ये मल्लाह है, इनको इंग्लिश में रोवर्स कहा जाता है, ठीक है। तो रोवर्स पोर्टियार, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रण दिया हुआ है इस तरह का। तो ये जो रोवर्स होते हैं ये अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो इनहेरेंट स्पोर्टिंग झील एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट ऑफ दिस साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कि ये जो मल्लाह है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, खेलों में गजब का उत्साह दिखाया जाता है। उत्साह निहित होता है, इनहेरेंट का मतलब होता है निहित होना, स्पोर्टिंग का मतलब खेल होता है, और झील का मतलब उत्साह या जोश, ठीक है। एंड स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स खिलाड़ी भावना का परिचय देना, ठीक है। ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट मीन्स लोकल जो स्थानीय निवासी होते हैं, ठीक है। तो जो इनहेबिटेंट ऑफ दिस साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया, तो जो भारत के दक्षिणी राज्य, केरला कैसा है, दक्षिण में है, तो भारत का दक्षिणी राज्य साउथर्न स्टेट, तो भारत के दक्षिणी राज्य जो केरला है वहाँ के निवासियों द्वारा इस खेल को लेकर के बहुत ही गजब का उत्साह दिखाया जाता है, ठीक है। साथ ही में जो रोवर्स होते हैं इस उत्साह के कारण ही अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हैं, साथ ही गजब के उत्साह और जोश के साथ इस रेस में पार्टिसिपेट किया जाता है, और साथ ही में एक अलग ही स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स खिलाड़ी भावना का परिचय दिया जाता है। तो ये खेल के जब इसका आयोजन होता है तब बहुत उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किसके साथ, ओनम फेस्टिवल के टाइम से। आगे इसको रीड करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीन्स भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व या भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन द ईयर ऑफ 1952 इंट्रोड्यूस्ड द एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ स्नेक बोट रेस, ठीक है। तो भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने वर्ष 1952 में इंट्रोड्यूस मीन्स शुरू करना, आयोजन करना या परिचय कराना, ठीक है। तो 1952 में इसकी शुरुआत करी द एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ स्नेक बोट रेस, किसकी, एनुअल इवेंट, वार्षिक उत्सव, जो वार्षिक खेल का आयोजन होता है स्नेक बोट रेस का। तो कहने का मतलब ये कहा जाएगा कि जो केरला में वार्षिक खेलों का आयोजन होता है स्नेक बोट रेस का, स्नेक बोट रेस वार्षिक खेलों का आयोजन जो होता है उसकी शुरुआत जो है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1952 में करी थी, ठीक है। द वल्लमकली और द ईयरली बोट रेस टेक्स प्लेस इन द बैकवाटर्स ऑफ पुन्नमदा इन अल्पुज़ा ऑफ केरला, ओके। द वल्लमकली और द ईयरली बोट रेस, ठीक है। तो ये जो बोट रेस है उसे ईयरली बोट रेस कहा जाता है, या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसे वल्लमकली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वल्लमकली इट मीन्स ईयरली बोट रेस, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। वहाँ पर वल्लमकली हम बोलते हैं और हम लोग उसको नॉर्मली ईयरली बोट रेस के नाम से जानते हैं। तो वल्लमकली या फिर
ईयरली बोट रेस, ठीक है, जिसका आयोजन टेक रेस टेक प्लेस इन द बैक वाटर्स ऑफ पुन्नमदा, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित होती है, ये बैक वाटर ऑफ पुन्नमदा, पुन्नमदा इन एल्पुज़ा ऑफ द केरला। तो जो केरला में एल्पुज़ा जो एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर पुन्नमदा नाम की एक झील है, ठीक है, जिस पर आयोजन होता है, ठीक है, जैसे बैक वाटर ऑफ पुन्नमदा कहा जाता है, जो उल्टे पानी की जो झील होती है वहाँ पर, वहीं पर इसका आयोजन होता है। और ये झील कहाँ पर है पुन्नमदा नाम की, एल्पुज़ा में। और ये एल्पुज़ा जो एक शहर है, ठीक है, वो किस स्टेट में आता है, वो केरला में आता है। तो वल्लम कली का आयोजन या फिर ईयरली बोट रेस का आयोजन बैक वाटर ऑफ पुन्नमदा में एल्पुज़ा जो कि केरला में है वहाँ होता है। द रोवर्स डिस्प्ले ट्रेमेंडस कॉरेज एंड एथिज्म टू विन द नेहरू ट्रॉफी इन द स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द स्नेक बोट रेस, ठीक है। तो द रोवर्स डिस्प्ले, तो रोवर्स मीन्स मल्लाह, तो मल्लाह डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, क्या करते हैं, जो रोवर्स हैं वो दिखाते हैं क्या, ज़बरदस्त उत्साह, ठीक है। ट्रेमेंडस कॉरेज का मतलब होता है ज़बरदस्त उत्साह, और ठीक है, या साहस, करेज का मतलब साहस होता है, एंड एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। तो जो रोवर्स होते हैं, ये जो मल्लाह होते हैं, वो इस बोट रेस को जीतने के लिए अपने ज़बरदस्त साहस और उत्साह का परिचय देते हैं, और साथ ही एक भावना जो होती है जीतने की, विन द नेहरू ट्रॉफी इन द स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ द स्नेक बोट रेस, किस लिए कि जो ये जो खेल है, और खेलों में जो ट्रॉफी होती है, नेहरू ट्रॉफी के नाम से खेला जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसलिए जो वार्षिक खेलों के आयोजन पर जो पुरस्कार होता है वो नेहरू ट्रॉफी होती है। तो नेहरू ट्रॉफी को जीतने के लिए जो है वो अपने ज़बरदस्त उत्साह और साहस का परिचय देते हैं, ठीक है, इस बोट रेस को जीतने के लिए। अब हमारा सेकेंड स्पोर्ट इवेंट आ गया आर्करी, ठीक है। आर्करी का मीनिंग्स होता है तीरंदाजी या धनुष प्रतियोगिता, ठीक है। आर्करी, आर्करी इज द आर्ट प्रैक्टिस और स्किल ऑफ प्रोपेलिंग एरो विथ द यूज ऑफ बो। तो जो आर्करी है, या हम इसको हिंदी में तीरंदाजी कहते हैं या धनुष प्रतियोगिता कहते हैं, तो ये जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता है, ये कैसा है, आर्करी इज़ द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस और स्किल। तो ये कैसा है, ये कैसी कला है, ये प्रैक्टिस की, बार बार अभ्यास करने की, ठीक है, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास और कौशल, ठीक है। तो ये जो आर्करी या फिर ये तीरंदाजी जो कला है, वो अभ्यास एवं कौशल से परिपूर्ण है, जिसके द्वारा प्रोपेलिंग मीन्स चलाना, एरोस मीन्स जो तीर होता है, ठीक है, तो इसमें तीर को चलाना, ये जो कहलाती है तीर होता है, इसको एरो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बो, ये जो धनुष होता है, ठीक है। तो ये जो ऐसी कला है जिसको प्रैक्टिस अभ्यास के द्वारा और कौशल के द्वारा, इसमें क्या किया जाता है, जो तीर को क्या किया जाता है, बो के यूज़ के साथ में, यानी धनुष के यूज़ करके चलाया जाता है, ऐसी ये प्रतियोगिता है, ठीक है। हम प्राचीन सीरियलों में इसको देखे हैं, राइट फ्रॉम द एशियन पीरियड पीपल वेयर स्पेशली ट्रेन टू यूज द बो एंड द एरो। जब हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन जो काल में है, प्राचीन पुरातन काल में, जब आदिकाल की हम बात करते हैं, तब वहाँ के लोग क्या थे, वो स्पेशली ट्रेन थे, प्रशिक्षित थे पहले से, कैसे, धनुष बाण को चलाने के लिए, यूज ऑफ बो एंड द एरोज। तो धनुष और बाण को चलाने के लिए पहले के जो लोग थे वो पूर्ण प्रशिक्षित थे, ठीक है। पीपल यूज टू बो एंड द एरो एज देयर मेन वेपन इन द बैटल फील्ड अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ फायर आर्म्स। तो पहले के जो लोग थे वो धनुर्विद्या में पारंगत थे, प्रशिक्षित थे, और वे इसका यूज़ करते थे, इस्तेमाल कैसे करते थे, अपने हथियार की तरह, वेपन का मीन्स हथियार का, हथियार की तरह यूज़ करते थे, कहाँ पर, युद्ध क्षेत्र में, बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र, ठीक है, बैटल फील्ड में यानी युद्ध क्षेत्र में अपने हथियारों की तरह इस धनुष और बाण का यूज़ करते थे। और हम देखते हैं कि जो पहले के लोग थे, शिकार करने के लिए भी जो है धनुष और बाण का यूज़ करते थे। कई ऐसे टीवी सीरियल्स में देखने में आता है कि जो पहले के लोग शिकार करते थे, या राज्य महाराजा का समय था, तो वे धनुष और बाण को लेकर के ही जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, और साथ ही में इनका युद्ध अस्त्र भी यही हुआ करता था। कब तक ये युद्ध अस्त्र रहा, अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ फायर आर्म, कि जब तक के
जो आग्नेय अस्त्र होता है, फायर आर्म्स का मतलब आग्नेय अस्त्र। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह के बंदूकों का जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, बंदूक तोपे या जितने भी आज के एडवांस्ड हथियार हैं, इनका जब तक के प्रयोग करना शुरू नहीं हुआ, तब तक के जो लोगों का मुख्य हथियार था या अस्त्र था वो क्या था, यही धनुष बाण हुआ करता था, जिससे आसानी से वे चला पाते थे। हिस्टोरिकली आर्करी हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंटिंग एंड कॉम्बैट, while in modern time its main use is that of the recreational activity. तो जो historically archery has been used for the hunting, तो जो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, historically means ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि जो धनुष विद्या है, जो तीरंदाजी है, ये कैसे यूज़ की जाती थी, hunting यानी शिकार करने के लिए, plus combat means मुकाबला करने के लिए, दो चीज़ों के लिए मेनली यूज़ होती थी। शिकार करने के लिए पहला काम, और दूसरा अगर किसी दुश्मन से लड़ाई हो जाए तो युद्ध क्षेत्र में तीर अंदाजी का यूज़ करा करते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में, इन द मॉडर्न टाइम्स, आज इसका यूज़ शिकार करने के लिए और युद्ध के मुकाबले में नहीं होता। आज इसका यूज़ क्यों होता है, मनोरंजन के लिए, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मनोरंजन के लिए, खेलों के लिए यूज़ होता है। अ पर्सन हु पार्टिसिपेट इन आर्करी इज नोन एज एन आर्चर और बोमैन। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो इस खेल प्रतियोगिता में आयोजन लेता है, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आर्चर कहते हैं, या फिर उसको बोमैन भी बोलते हैं, ठीक। अब हमें नेक्स्ट पर आना है, हमारी जो नेक्स्ट खेल है, प्रतियोगिता है, रेसलिंग। अब रेसलिंग का मीनिंग होता है, आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं, रेसलिंग मीन्स कुश्ती, ठीक है। रेसलिंग इज एन एशियंट मार्शल आर्ट दैट यूज्ड ग्रैपलिंग टाइप टेक्निक सच एज क्लिंच फाइटिंग थ्रो एंड टेक डाउन्स जॉइंट लॉक पिंस एंड अदर ग्रैपलिंग होल्ड्स। तो सबसे पहले जो रेसलिंग है या कुश्ती, इसको हम अखाड़े के नाम से भी जानते हैं, तो भारत क्या है, अखाड़ों का देश है, ठीक है। भारत में प्राचीन काल से ही जो कुश्ती प्रतियोगिता या अखाड़ों का आयोजन होता आता रहा है। तो जो रेसलिंग है वो प्राचीन मार्शल आर्ट है, ठीक है, मार्शल आर्ट का टाइप है, दैट यूज्ड टू ग्रैपलिंग टाइप टेक्निक, जो जकड़ने की तकनीक से बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि इस तरह से पकड़ बनानी होती है, ठीक है। ग्रैपलिंग का मीन्स होता है जकड़ना या फिर पकड़ बनाना, ठीक। टाइप ऑफ टेक्निक सच एज क्लिंच फाइटिंग थ्रो एंड टेक डाउन जॉइंट लॉक पिन एंड अदर ग्रैपलिंग होल्ड। इन एशियन टाइम्स रेसलिंग कॉम्पिटिशन यूज टू टेक प्लेस बिटवीन किंगडम, द रेसलर हु नॉक हिज राइवल डाउन वॉज सपोज्ड टू हैव वन विक्ट्री फॉर हिज किंग। तो ये जो खेल है वो कैसा है, एक खेल होता है जकड़ना और पकड़ बनाने से, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी कि अपने जो प्रतिद्वंदी होता है उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाई जाती है, उसके हाथ को जकड़ना, पूरे शरीर को, बॉडी को पकड़ना, प्लस उसे पटकनी देना, ठीक है, उसके जॉइंट को लॉक कर देना। तो इस खेल के अलग अलग भाग होते हैं, जो कुश्ती में होता है जकड़ते हैं पकड़ते हैं, थोड़ी फाइटिंग होती है, और उसे लॉकडाउन करके सीधे ज़मीन पर पटकनी देनी होती है। तो ये इस खेल में होता है, ठीक है, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। दुश्मनों को हराने के लिए प्रतियोगिता के रूप में भी इसका आयोजन होता था, ठीक है। इन एशियन टाइम रेसलिंग कॉम्पिटिशन, तो प्राचीन समय में जो कुश्ती या अखाड़े का प्रतियोगिता होती थी वो किस लिए होती थी, दो राज्यों के बीच में, टू टेक प्लेस बिटवीन किंगडम, तो दो राज्य, किंगडम मीन्स राज्यों के बीच में, वो अपने अपने क्या होते थे, पहलवानों को राज्य उतारा करते थे, ठीक है, और दो पहलवानों की लड़ाई होती थी, दो राज्य, कई बार फैसला भी इसी आधार पे होता था। तो इसमें लड़ाई में जैसे दो राजाओं के दो प्रतिनिधि अपने अपने खिलाड़ियों को उतारा, और जिसका खिलाड़ी, जिस राजा का जो पहलवान वो जीत जाया करता था, तो उसको ये माना जाता था कि उस राजा की जीत हुई इस खेल में, ठीक है। तो डायरेक्टली राजा ने लड़ते थे, अपने पहलवानों को लड़वाया करते थे, और उसमें उस राज्य की विजय मानी जाती थी। तो ऐसे तरीके से मनोरंजन के लिए भी, और कई बार कई अहम निर्णय जीत से लेकर के उसको भी के लिए भी ये प्रतियोगिता का आयोजन होता था। अ रेसलिंग इज अ फिजिकल कॉम्पिटिशन,
तो जो रेसलिंग है या मेरी कुश्ती जो है एक फिजिकल कॉम्पिटिशन मीन्स शारीरिक प्रतियोगिता है, क्योंकि रेसलिंग के लिए आपका शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकतवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिटवीन टू ओकेशनली मोर कॉम्पिटिटर और स्पैरिंग पार्टनर हु अटेम्प्ट टू गेन एंड मेंटेन अ सुपीरियर पोजिशंस। ठीक है, तो सो रेसलिंग इज़ अ फिजिकल कॉम्पिटिशन। तो ये रेसलिंग जो है, कुश्ती जो है, एक शारीरिक प्रतियोगिता है जिसमें बिटवीन टू और कॉम्पिटिटर्स, जिसमें कि दो प्रतिद्वंदी, ठीक है, कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी शारीरिक प्रतियोगिता जिसमें दो प्रतिद्वंदी या फिर मुक्केबाज साथी, ठीक है, प्रतिस्पर्धी, जो कि यहाँ पर प्रयास करते हैं अटेम्प्ट टू गेन, हासिल करने का प्रयास करते हैं, क्या एक उच्च स्थान को हासिल करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ठीक है, उच्च स्थान को हासिल करने के लिए, पहला स्थान हासिल करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस शारीरिक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसे रेसलिंग बोलते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्टाइल विथ वेयरिंग रूल विथ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्टाइल। तो यहाँ पर क्या है, इस रेसलिंग से जुड़े बहुत सारी रेंज है काहे कि स्टाइल की, किस तरह से खेलों को खेला जाए। तो अलग अलग इसमें क्या होते हैं, नियम होते हैं, जो कि कुछ प्राचीन नियम भी हैं, कुछ मॉडर्न नियम भी है। ठीक है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए कई सारे प्राचीन नियमों के साथ में इस खेल को खेला जाता है। चूँकि इसको आज के खेलों में भी शामिल किया गया है, तो कुछ नए नियमों को भी इसमें ऐड किया गया है इस खेल को खेलने के लिए। रेसलिंग टेक्निक हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर मार्शल आर्ट एज वेल एज मिलिट्री हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिस्टम। अब ये जो रेसलिंग है या अखाड़े है, ठीक है, तो जो अखाड़े या रेसलिंग की जो टेक्निक है, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर मार्शल आर्ट एज वेल, ये किससे जुड़ी हुई है, इसे दूसरे एक सकारात्मक रूप से भी लिया जाता है, एक अदर, एक दूसरे मार्शल आर्ट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, मिलिट्री हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिस्टम इसको इस प्रकार से भी यूज़ किया जाता है कि मिलिट्री हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिस्टम का मतलब होता है कि जब आर्मी या सेना में जब हाथापाई की जाती है बिना हथियारों के, हैंड टू हैंड जो लड़ाई होती है, तो हैंड टू हैंड में बिना हथियारों के हाथों से द्वंद प्रतियोगिता के द्वारा अपने प्रतियोगिता से कैसे लड़ा जाए या अपने सामने प्रतिद्वंदी से कैसे सामना किया जाए, उसके प्रकार के रूप में भी इस खेल को लिए इस टेक्निक को डेवलप की गई है और उसे शामिल किया गया है। ठीक है, द रेसलर बिल्ट देयर बॉडीज बाय टेकिंग अ प्रॉपर डाइट इंक्लूडिंग बटर मिल्क एंड ऑलमंड। तो जो रेसलर होते हैं, ठीक है, रेसलर मीन्स ये जो कुश्ती करते हैं, इनको रेसलर, प्रतियोगिता का नाम रेसलिंग है, खेलने वाले रेसलर कहलाते हैं। ठीक है, या उसे पहलवान कहते हैं या कुश्तीबाज कहते हैं या मुक्केबाज कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रेसलर होते हैं, बिल्ट देयर बॉडीज, अपनी बॉडी को बिल्ट करते हैं, मीन्स पहलवानी के लिए शरीर को तैयार करते हैं, कैसे, बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट, जो अपनी प्रॉपर डाइट को लेकर, एक अच्छे खान पान को लेकर के वो तैयार करते हैं, इंक्लूडिंग उनके खान पान में क्या शामिल होता है, बटर मिल्क ऑलमंड, क्या क्या शामिल होता है, बटर शामिल होता है मीन्स मक्खन, ठीक है, दूध और बादाम और भी कई सारी जो हेल्दी डाइट होती है जिनसे शरीर में ताकत हो और हष्ट पुष्ट शरीर बने, ऐसी जो फूड्स को मिला करके वो डाइट्स रेडी करते हैं, उसे सेवन करते हैं। दे डू रेगुलर एक्सरसाइज टू मेंटेन देयर हेल्थ, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि वह रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर रोजाना कसरत करते हैं और अपने शरीर को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वे इस प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी पर और भी भारी पड़ सके। ठीक है, तो हमने जो है ट्रेडिशनल गेम्स एंड आर्ट्स को पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमने बोट रेस जो पहली प्रतियोगिता पढ़ी है और दूसरी आर्करी पढ़ी है और तीसरी रेसलिंग, तीन प्रतियोगिताओं या तीन पारंपरिक खेलों के बारे में हमने पढ़ा है। आगे के जो पारंपरिक खेल है वो हम अगले चैप्टर में या अगले सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।